Everyone, we already discussed about the condition of Chile, and also we are taking a look about the condition of Poland, and we already discussed what happened in the if the workers demanded for the censor removing the censorship and releasing for the political prisoners in their country, and how the trade unions are illegal in the country region of Poland. Poland is a very small country in Europe. Okay, so today we are going to discuss much more about this topic. So let's begin. The movement become so popular that the government had given, मतलब ये जो movement था जिसमें मैंने आप देखे, पहले थोड़ा सा background discuss कर ही लेते हैं, एक बार आपको भी याद आ जाएगा. हमने discuss किया कि Poland में क्या हुआ, कि Poland में workers के एक group था, उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है ना. उसमें एक लेडी थी, उसको जॉब से हटा दिया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया. तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को कह रहे थे कि उसको छोड़ दो और हमें ट्रेड यूनियंस बनाने का मौका दे दो. उसमें एक लुकाच नाम का व्यक्ति था, लुआच, हाँ हाँ हा, तो उसने वो उसको उसने डिमांड कर दी थी कि मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए. तो वो जो है जॉब छोड़ चुका था. तो उसके जॉब छोड़ने के बाद वो इसका नेता बन गया और इन्होंने तीन चार डिमांडे पोलैंड की सरकार के सामने की. उन्होंने कहा हमें इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस बनाने का मौका दिया जाए, एंड ऑल्सो दे डिमांडेड फॉर रिलीज फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड एंड टू द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस. ओके, देखिए प्रेस इज द मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन है ना, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. बट वेन द गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग सेंसरशिप ऑन प्रेस, देन प्रेस इज अनेबल टू डू एनी थिंग एज द वर्क डिफाइन फॉर द प्रेस. ओके, द मूवमेंट बिकम सो पॉपुलर एंड दैट द गवर्नमेंट हैड गिवन, मतलब ये जो मूवमेंट था वो इतना पॉपुलर हो गया कि जो सरकार थी उसको गिव अप करना पड़ा. एंड द वर्कर्स लेड बाय वेलेसा साइंड 21 पॉइंट एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट एंड दैट एंडेड देयर स्ट्राइक. उन्होंने कहा कि हमारी जो 21 सूत्री मांगे हैं, 21 एग्रीमेंट थे, उन सभी 21 एग्रीमेंट्स पर उन्होंने सरकार के साथ बात की और फिर उसके बाद जाकर कहीं उन्होंने अपने उनकी जो स्ट्राइक थी उसको खत्म किया. ठीक है, द गवर्नमेंट एग्री टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट एंड टू फॉर्म The independent trade unions and their right to strike. मतलब किसी को भी strike करने का अधिकार है जब उसको उसके अधिकारों का violation हो. ठीक है, after the Genscheck agreement was signed, a new trade union called Solidarity means Solidarność in Polish. Okay, Poland की भाषा में इसको Solidarność कहेंगे और Solidarity इसको जो union बनाया trade union इन लोगों ने, जो workers ने मिलकर, वो उसका नाम था सोलिडेटरी. ये बनाया इन्होंने. इट वाज द फर्स्ट टाइम एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन वाज फॉर्मड विद इन एनी ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट. ये पहला ऐसा कोई कम्युनिस्ट स्टेट था जहां पर पहली बार कोई ट्रेड यूनियन बना. ठीक है, इससे पहले चाहे वो रसिया हो चाहे वो चाइना हो, कहीं पर भी ट्रेड यूनियंस इन्होंने बनाने नहीं दिए थे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े. तो विद इन अ ईयर सोलिडेटरी स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड एंड हैड अबाउट 1 करोड़ मेंबर्स. और देखते ही देखते यानी लगभग एक साल में जो ये सोलिडेरिटी नाम की है जो ट्रेड यूनियन थी, इसके जो मेंबर्स की संख्या थी वो 1 करोड़ हो गई. किसी भी देश में देखिए बच्चों कि जो लेबर होता है ना, लेबर की संख्या सबसे ज्यादा होती है. अभी जब लॉकडाउन हुआ तो सड़कों पर आपको सबसे ज्यादा कौन दिखा, तो लेबर्स ही तो सबसे ज्यादा दिखे ना. क्योंकि किसी भी देश में ये स्वाभाविक है, ये एक जनरल सी बात है कि लेबर हर देश में काफी है. ठीक है, तो ये जो सोलिडेरिटी है इसकी जो वर्चस्व था वो पूरे विश्व में बढ़ने लगा, ना कि पोलैंड, और भी आगे देशों में इसका जो वर्चस्व रहा वो बढ़ गया और करीब 1 करोड़ मेंबर ने 1 करोड़ लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया. एंड रिवेलेशन ऑफ द वाइड स्प्रेड करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट मेड मैटर्स वर्स फॉर द रूलर्स. मतलब ये इन्होंने इसके बाद ये क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने जो करप्शन था उसको और जो सरकार की मिसमैनेजमेंट थी उन सबको उजागर करना शुरू कर दिया. एंड द गवर्नमेंट लेड बाय द जनरल जुरू जेलसेकी ग्रू एनेक्सियस एंड इम्पोस्ड मार्शल लॉ इन द डिसंबर 1981. मार्शल लॉ क्या होता है स्टूडेंट, देखिए मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसमें द होल पावर विल गिव टू द मिलिट्री, मतलब सभी पावर जो है आर्मी को दे दी जाती है और इसी को कहते हैं मार्शल लॉ. और भारत में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर अभी भी मार्शल लॉ लागू रहता है. उसमें जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है ना, यहाँ पर हमारे कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, है ना, ये हो गए 2
तीन चार यहाँ असम, ये यहाँ कुछ रीजन ऐसे हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पर मार्शल लॉ लागू रहता है, यानी यहाँ पर जो कानून चलता है वो आर्मी का चलता है, यहाँ पर आर्मी आपको गिरफ्तार भी कर सकती है और बिना बात के आपको गोली भी मारी जा सकती है। और तो ये जो जनरल जुरू सेलेकी थे, इन्होंने जब सॉलिडेरिटी नाम की ये जो ट्रेड यूनियन थी, इसने करप्शन को उजागर किया कि सरकार जो है मिसमैनेजमेंट करती है, करप्शन करती है, तो 1981 में वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ठीक है, थाउजेंड ऑफ सॉलिडेटरी मेंबर्स वर पुट इनटू द प्रिजन, फिर से हजारों मेंबर्स जो सॉलिडेटरी के थे उन्हें प्रिजन में डाल दिया गया, एंड फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वॉज वंस अगेन टेकन अवे। मतलब जो इनको अधिकार दिए गए थे कि आप जो है अपने ओपिनियन रखो, अपने एक्सप्रेशन रखो और प्रोटेस्ट और स्ट्राइक जो है रखो, स्ट्राइक कर सकते हो, इन सभी अधिकारों को एक बार फिर से छीन लिया गया। एंड अनदर वे ऑफ स्ट्राइक इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द रूलर ऑफ पोलैंड। ओके, एक और जो वेव थी इसकी स्ट्राइक की वो फिर से सामने आई, वो थी 1988 का टाइम पीरियड। ओके, 1988 के टाइम पीरियड में सॉलिडेरिटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने फिर से पोलैंड में क्या किया, एक बहुत बड़ा स्ट्राइक आयोजित किया, एक बहुत बड़े स्ट्राइक को स्टार्ट किया। दिस टाइम द पोलिश, गिव मी अ सेकंड, हाँ, द पोलिश गवर्नमेंट वाज वीकर। इस समय जो वहां की गवर्नमेंट थी वो वीक हो चुकी थी और ये जो स्ट्राइक था ये उसको रोक नहीं सकी। द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन अनसर्टेन एंड इकोनॉमी वॉज डेक्लाइन। हाँ, जो सोवियत यूनियन है उसकी भी इकोनॉमी इस टाइम पर काफी गिर गई थी, है ना, 1990s के टाइम पे आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन का। तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो पोलैंड की वो मदद करता था, अब वो भी पोलैंड की मदद करने के लिए सामने नहीं आ पाया। ठीक है, अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन विद द वालसा रिजल्टेड इज एन एग्रीमेंट ऑन अप्रैल 1989 फॉर फ्री इलेक्शंस। अभी जो 1989 में फिर से वालसा के साथ इन्हें एक एग्रीमेंट करना पड़ा इस स्ट्राइक को खत्म कराने के लिए, और वालसा ने इस बार डिमांड की कि हम चाहते हैं कि फ्री इलेक्शंस हो और उसमें जो जीतेगा वही पोलैंड में शासन करेगा। सोलिडेरिटी कंटेस्टेड ऑल द 100 सीट्स ऑफ द सीनेट एंड वॉन 99 ऑफ देम। मतलब जो 100 सीटें थी सभी सीटों पर सोलिडेरिटी के मेंबर से चुनाव लड़ा और उसमें से 99 सीटों पर जीत हासिल की। इन अक्टूबर इन 1990s पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच मोर देन वन पार्टी कुड कंटेस्ट। वालसा वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द पोलैंड। वालसा एक जो काम करने वाला व्यक्ति था उसने अपनी नौकरी छोड़ी, सैलरी की डिमांड ज्यादा की, अब वो पोलैंड का प्रेसिडेंट बन चुका था। ठीक है, और पोलैंड में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन चुकी थी 1990s के टाइम पर। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो शासन था वो पूरा एक ड्रास्टिक चेंज होकर पूरा चेंज हो गया। ठीक है, और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर पोलैंड में बन गई। आगे की बात जो है हम देखेंगे अपने अगले की वीडियो में। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, thank you so much।